हेलो, वेलकम टू द सिनेमा माइंड। 10 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2020, ये दिवाली से कम नहीं है ये डेट, या किसी बड़ी इंडियन फेस्टिवल से कम नहीं है। उसी दिन 3 अलग अलग कंटेंट रिलीज होने वाले हैं, स्ट्रीम होने वाले हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। 2 वेब सीरीज़ हैं, एक अमेजन प्राइम पर रिलीज़ होने वाली है, ब्रीथ 2, मतलब ब्रीथ का दूसरा सीज़न, और माफिया नाम की एक वेब सीरीज़ Zee5 पर रिलीज़ होने वाली है। और उसी के साथ ये नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है। फिल्म का नाम है द ओल्ड गार्ड। ये एक एक्शन फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है। इसका इंग्लिश ट्रेलर जो है वो बहुत दिन हुए रिलीज़ हुए यूट्यूब पर, लेकिन इसका हिंदी ट्रेलर कल रिलीज़ हुआ, उसको लॉन्च किया गया हिंदी ट्रेलर को। इसका मतलब ये इंडियन ऑडियंस को देख कर ही उन्होंने ये हिंदी ट्रेलर लॉन्च किया है, ये तो कोई भी बता सकता है। अब इसलिए मुझे इंटरेस्ट जगा कि मैं इसके बारे में बात करूं, इस ट्रेलर के बारे में, और ये क्या स्टोरी है ओवरऑल, इसके बारे में आपको बताऊं। तो ये ग्राफिक नॉवल पर आधारित ये फिल्म है, द ओल्ड गार्ड, एक्शन फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है ये। और मेन लीड रोल में है चार्लीज थेरॉन। अब चार्लीज थेरॉन जो है, इसके अगर मैं आपको फिल्में बताऊँ तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड, एटॉमिक ब्लॉन्ड, या फिर हैंकॉक, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें चार्लीज थेरॉन ने एक्शन रोल किए हैं। और चार्लीज थेरॉन को एक्शन करते हुए देखना इज़ अ प्रेटी कूल, मतलब बहुत। एऑन फ्लक्स नाम की भी उनकी फिल्म आई थी जो एक्शन पे बेस्ड थी। तो आपने अगर ये फिल्में नहीं देखी हो, मैड मैक्स फेरी रोड, तो आप देख लो, आपको पता चलेगा कमाल के एक्शन करते हैं चार्लीज थेरॉन। तो ये भी एक्शन फिल्म है, तो इसमें मेन लीड है चार्लीज थेरॉन का। स्टोरी में आपको बताऊं तो 5 लोगों की टीम है। एक तो लड़की नई इस टीम में ज्वाइन हुई, 4 लोगों की टीम होती है, इसमें ये 5वीं लड़की आती है, ऐसे हम ट्रेलर में देख पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सेंचुरीज से जीवित हैं, अमर हैं। इन्हें अगर कोई ज़ख्म होता भी है तो इनके ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं, ये मर नहीं पाते, इनकी इनएबिलिटी है मरना। और इतनी हिस्ट्री उन्होंने देख रखी है, कुछ ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, कुछ पुराने सेंचुरीज के, कुछ नए हैं ऐसे। तो कुछ हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है कि कौन से जंग में, कौन से ऐसे वॉयलेंस में उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये ऐसे लोग हैं जो शेडोज़ में रहकर, लो प्रोफाइल रहकर दुनिया को बचाते हैं। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी वाले युग में वो आए हैं, तो उनका लो प्रोफाइल रहना बहुत ही नामुमकिन है। डिजिटल फुटप्रिंट आदमी छोड़ता ही है, तो उसके ट्रेसेस पकड़ने में बहुत आसानी होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को छुपाना, क्योंकि आप ऐसे पावर के साथ घूमते हो जहाँ पे आप मर नहीं सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियाँ आपके इस पावर का इस्तेमाल करना चाहेंगी, अपने उन्हें मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे, उससे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो इन 5 लोगों के पीछे कुछ लोग लगे कि इनके जीन्स का इस्तेमाल करके ऐसे ही लोग रिप्लिकेट किए जाए, ऐसे ही लोगों की इजाद की जाए, नए नए लोग बनाए जाए। जैसे हमने वो एक्समैन सीरीज़ में देखा है कि म्यूटेंट्स बनाए जाते हैं और इन्हें बेचा जाता है। स्पेशल मैं आपको अगर बताऊं तो डेडपुल नाम की जो फिल्म आई थी, पहली जो डेडपुल फिल्म थी, उसमें हमने देखा होगा कि जो नेचुरली म्यूटेंट होते हैं वो अलग होते हैं और बाद में म्यूटेंट बनाए जाते हैं। और डेडपुल भी इसी का नतीजा है कि उसको बाद में म्यूटेंट बनाया जाता है बिकॉज ऑफ हिज कैंसर थिंग। तो वैसे ही इसमें कुछ दिखाने की कोशिश उन्होंने की है कि ये जो ऑलरेडी 5 ऐसे लोग हैं, सुपर पावर वाले, सुपर हीरो काइंड ऑफ लोग, इनके जीन्स का इस्तेमाल करके वैसे लोग बनाए जाए, ऐसी कोशिश है। और ऐसी कुछ कंपनियां, शायद हथियार बनाने वाली कंपनियां होगी जो इन 5 लोगों के पीछे पड़ी है। अब फिल्म इसलिए देखने में इंटरेस्टिंग होगी, जो लोग मरते ही नहीं हैं उन्हें क्या वीक पॉइंट हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनका वीक पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट होगा जिसकी वजह से वो कभी ना कभी तो वीक पड़ेंगे, तभी जाकर फिल्म देखने में मज़ा आएगा। अब ट्रेलर में एक जगह पर स्लाइटली उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि क्या होगा उनका वीक पॉइंट, स्लाइटली जाते जाते देखते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको कि फिल्म देखने का मज़ा मैं किड़किड़ा नहीं करूंगा, अब फिल्म में आपको पता चलेगा शायद वो। तो कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं तो हीरो वीक होना चाहिए, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट दिखना चाहिए, और फिर जाकर वो उभरता है उस वीक पॉइंट से और फिर अपने विलन को ख़त्म करना, ये देखने में मज़ा आता है। तो वो शायद हमें फिल्म में देखने को मिलेगा कि एक अमर लोग हैं 5, फिर भी उनका कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट है, और उस वीक पॉइंट से उभर कर
वो अपने विलन को ख़त्म करते हैं और जीवित रहते हैं, इस टाइप की ये फिल्म होगी। जैसे मैंने बताया लीड रोल में चार्लीज थेरोन है, बाकी चार लोग हैं, मतलब दो लड़कियां हैं उनकी ग्रुप में, तीन लड़के हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा उनका ग्रुप है। एक्शंस हॉलीवुड में तो होती ही हैं कमाल के, इसमें मुझे अच्छे लगे। गन फाइट्स हैं, फिस्ट फाइट है, अलग अलग टाइप के एक्शन उस 2-3 मिनट के ट्रेलर में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। आखिर में इन लोगों का क्या होगा जो बच रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बचाया बहुत से सारी सेंचुरीज में, अब उनका बचना इस सेंचुरी में बहुत ज़रूरी हो गया। वो अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं, उनकी क्या ऑलरेडी वीक पॉइंट होगी जिंदा रहने के बाद भी, ये सब हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में तो पहले ही आया है, बहुत प्रॉमिसिंग लगा। अब 10 जुलाई में ये अगर ये फिल्म अगर जब रिलीज़ होगी तब हम इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।